नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली गोगिया और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव राजस्थान चैनल। लॉकडाउन में ट्रैफिक अनलॉक, जब जनता सो रही होती है तब सरकार करती है लॉकडाउन की घोषणा। इसी का नतीजा है सड़कों पर आम दिनों की तरह निकल पड़े गुलाबी नगरी के लोग, कई जगह जाम की स्थिति। लॉकडाउन लागू करने की घोषणा में सरकार हर बार देरी करती है। जब पूरी जनता सो जाती है तो आधी रात में लॉकडाउन की घोषणा की जाती है। खास बात तो ये होती है कि सूचना के लिए प्रचार प्रसार के प्रयास भी नहीं होते। यही वजह है कि सोमवार को दिन निकलते ही जयपुर के सड़कों पर आवाजाही सामान्य दिनों की तरह नजर आई। सुबह के 9 बजते कई इलाकों में जाम जैसी स्थिति हो गई, दुकानें ऑफिस तक खुल गए। ऐसे में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी कि किसी तरीके से गाइडलाइंस के अनुसार दुकानों को बंद करवाया जा सके, और इस तरीके से दोपहर बाद गाइडलाइंस के अनुसार दुकानों और कार्यालयों को बंद करवाया गया। कुल मिलाकर पूरे दिन पुलिस सिर्फ मशक्कत करती रही। हालांकि दोपहर होते होते शहर में अनुमति वाली दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें ऑफिस बंद हो गए। इसके बाद भी सड़कों पर वाहन चालकों की रेलम पेल बनी रही। गोपालपुरा बाईपास, MI रोड, टोंक रोड, हवा सड़क, चारदीवारी एरिया, मालवीय नगर, सोडाला, न्यू सांगानेर रोड सहित तमाम जगहों पर दिन भर वाहनों की आवाजाही देखने को मिली। इधर जयपुर पुलिस आयुक्त ने भी सभी उपायुक्त को फील्ड में उतर कर नई गाइडलाइन की पालना करवाने और सख्ती बरतने के निर्देश दिए। खुद एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश भी गवर्नमेंट हॉस्टल के सामने नाकेबंदी में मौजूद रहे और वहां से गुजरने वाले लोगों से समझाइश की। इसलिए हुई गलतफहमी। दरअसल राज्य सरकार ने शुक्रवार को वीकेंड लॉकडाउन लगाया और सोमवार को वापस बाजार खुलने और नाइट कर्फ्यू वाले नियम रखने के आदेश जारी कर दिए। सरकार के इन्हीं आदेशों को ध्यान में रखते हुए लोग आज सुबह अपने अपने कामकाज के लिए घरों से निकल गए। रविवार को 11:30 बजे के बाद सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय करते हुए गाइडलाइन जारी की। इसी बीच किसी भी अधिकारी, जनप्रतिनिधि या जिम्मेदार अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से मीडिया में आकर 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा नहीं की। इसी कारण से लॉकडाउन में ये गलतफहमी रही कि आज से बाजार ऑफिस खुल जाएंगे।